उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों और सुशील बहनों, हमने विषय छेड़ के रखा हुआ है 18 पाप और 9 पुण्य। उसके अंदर हमने प्रणातिपात, मूर्छावाद और अदत्तान दान तीन पापों को देखने का प्रयास किया है, और दूसरी तरफ अन्न पुण्य का भी थोड़ा बहुत विषय हमने किया हुआ है। आज हमारा दूसरा पुण्य है पान पुण्य, और पाप आज का है चौथा पाप अब्रह्म। ये चौथा पाप है और परिग्रह अब्रह्म परिग्रह और दूसरा पुण्य कौन सा? अदत्तादान और मैथुन। अदत्तादान हो गया ना। हाँ, तो आज हमारा मैथुन, प्रणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन हमारा रह गया था। तो मैथुन के लिए ज्ञानियों ने कहा है, कपड़ा एक आदमी होता है, एक बच्चे के पास नया कपड़ा कैची पड़ी हुई हो और बच्चा वहाँ आके बैठ जाया था 7-8 साल का, तो वो कैची कैसी चलाएगा, जैसी मन में आएगा वैसे वैसे उसके टुकड़े करेगा। पर वही नया कपड़ा अगर दर्जी के हाथ में जाए, वो भी कैची लगाएगा, पर कैसी लगाएगा, आपके शरीर के नाप का कपड़ा बनवाने के लिए कैची लगाएगा, और उस ऊपर से मजदूरी भी लेगा वो। आपका बच्चा तो मजदूरी भी नहीं मांगता, फिर भी आपने क्या किया, उसके हाथ से कपड़ा भी ले लिया और कैंची भी ले ली, क्योंकि वो कहीं के कहीं फाड़ देगा। भगवानों, ऐसे हमारे जीवन का कपड़ा भी कुछ लोगों का चाहे जैसा फटता है, छोटे बच्चे जैसा जैसा भी फाड़ना है वे फाड़ लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं समझदार लोग, वो क्या करते हैं, दर्जी जैसा अपने जिंदगी का कपड़ा फटना चाहिए ये ध्यान रखते हैं और सोच समझ करके अपना समय बिताते हैं। तो हमें अब्रह्म, ये कितवा पाप है? चौथा पाप। इसमें हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है, एक बार संसार भोगने से 900,000 जीवों की हत्या होती है। 900,000 जीव वहाँ मरते पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और आज का विज्ञान, रजनी जी आदि तो कहते 2 करोड़ जीव उसके अंदर मरते हैं। कुछ भी हो, हिंसा का काम है वो, और हम लोग संसारी लोग विषय वासना को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा है, एही तन कर फल विषऊ न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाय विषय तन देखा, पलटी सुधा तो विषरस ले ही, एही तन फल कर विषय न भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अल्प दुखदाई। स्वर्ग कितना है? थोड़ा, और दुख इतना उसका अंत ज़्यादा है ऐसा। और जो नर्तन पा करके अपनी जिंदगी को विषय कषायों में ख़त्म कर देता है, वो अपनी जिंदगी के कपड़े को चाहे जैसा फाड़ देता है। भगवानों, हमारे यहाँ पर बहुरत्ना वसुंधरा है और यहाँ रत्न तैयार हुए हैं, ऐसे ऐसे रत्न तैयार हुए हैं कि अपने जीवन का उन्होंने सोना करके बताया है। सत्य बात बनी हुई है कच्छ देश में। कच्छ देश के अंदर अरहत दास और अरहत दासी दोनों सेठ सेठानी रहते थे। उनके यहाँ विजय कुमार नाम का पुत्र हुआ, और वो बड़ा होते होते धीरे धीरे सत्संग में जाने लगा, साधु संतों के व्याख्यानों में पहुँचने लगा। विजय कुमार जब व्याख्यान में गया था, उस समय वह अब्रह्म की चर्चा महाराज साहब कर रहे थे, चौथा पाप हमको कंट्रोल में लाना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने बताई। तो विजय कुमार के मन में आया कि मुझे भी कुछ संकल्प करना चाहिए। तो विजय कुमार ने क्या किया, शुक्ल पक्ष के 15 दिन का प्रत्याख्यान कर लिया। शुक्ल पक्ष के 15 दिन मैं गलती नहीं करूंगा, इस तरह का संकल्प उन्होंने कर लिया।
इधर क्या हो गया। उसी शहर में एक विजया विजया कुमारी रहती थी, विजया कुमारी जैन परिवार की थी वो, और उसने मारा साहब का व्याख्यान सुना और उसने भी संकल्प कर लिया शुक्ल पक्ष का मैं कृष्ण पक्ष का मैं पालन करूंगी। उधर उसने ले लिया शुक्ल पक्ष का, इधर इसने ले लिया कृष्ण पक्ष का, और दोनों का योग योग ऐसा हो गया कि शादी हो गई, दोनों की सगाई हो गई। और बड़े घर में, बड़े घर का बेटा बड़े घर में तोरण बांधने गया और बड़े घर की बेटी अपने घर में शादी करके ले आया। दोनों विजया कुमारी सज धज करके पहले दिन इतना श्रृंगार उसने किया और पानी का लोटा ले करके अपने कमरे में चली गई। तो सेठ विजय सेठ ने कहा 3 दिन अब तक मेरे बाकी है। क्या कहा? शुक्ल पक्ष के 3 दिन अब तक बाकी है, इसलिए अभी आज हम कोई भी गलती करने वाले हैं नहीं। विजया कुमारी ने कहा 3 दिन बाकी नहीं, पूरी ज़िंदगी बाकी है। क्या कहा? पूरी ज़िंदगी बाकी है, 3 दिन के बाद आपका नियम पूरा होगा और मेरा चालू होने वाला है। उन्होंने शुक्ल पक्ष का नियम दिया था, इसने कृष्ण पक्ष का नियम दिया था। उसने कहा पूरी ज़िंदगी बाकी है, आपने भले शादी मेरे साथ कर ली है पर आप चिंता मत करो। आप क्या करो, आप बड़े घर के बेटे हो, आपको चाहे जितनी लड़कियां मिल सकती है और आप दूसरी शादी। उसने कहा क्यों, एक लड़की संकल्प कर सकती है तो लड़का नहीं कर सकता क्या? लड़का भी संकल्प कर सकता है, हम दोनों मिलकर के नियम पालन करेंगे। तुम्हारा शुक्ल पक्ष का नियम, मेरा कृष्ण पक्ष का नियम, दोनों हम पालन करेंगे और जहाँ तक बने ये बात गुप्त रखेंगे, ये बात गुप्त रखेंगे, माता पिता को भी मालूम नहीं पड़ने देंगे। हम नियम पालते रहेंगे, जिंदगी बीतती रहेगी और हम अपने जीवन में गुरु की प्रतिज्ञा का व्यवस्थित पालन करेंगे। दोनों ने नियम पालने का संकल्प कर लिया। दिन पे दिन बीतते लगे, वर्ष के बाद वर्ष बीतने लग गए और दादा दादी कहते थे हमको तो अपने पोते का मुंह देखना था, अभी तक हमारा मन पूरा नहीं हुआ है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। पर ये कहते थे किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, माता पिता को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमने नियम लिया है तो ही हमारा नियम निभेगा। इस तरह से दोनों ने दृढ़ संकल्प कर लिया। इधर क्या हो गया, चंपा नगरी के सेठ थे जिंदास को स्वप्न आया कि मैंने 84 लक्ष महाराज साहब के पालना कराया है, महाराज साहब का पालना कराया है, 84 लाख मुनियों का पालना, मुनियों को मैंने बेराया है और वो लाभ मैंने लिया है, ऐसा उनको स्वप्न आया। अभी 84 लाख मुनि कहाँ से मिलेंगे एक साथ, और जैन मुनि तो पैदल चलने वाले, वो तो एक साथ इतने मिलते ही नहीं हैं, कैसे करेंगे? उनको बड़ा प्रश्न पड़ा। उस समय वहाँ केवलियों का जमाना था, केवली भगवान वहाँ विराजमान होते थे, विमल नाम के केवली आजू बाजू में कई थे। तो वहाँ जिंदास स्वामी वहाँ पहुँचे, जिंदास सेठ वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि महाराज साहब मुझे ऐसा सपना आया है, मैंने 84 लाख मुनियों को बहराया, ऐसा सपना आया है, मेरा सपना कैसे पूरा होगा आप मुझे बताओ। तो महाराज साहब ने बताया कच्छ देश के अंदर अरहत दास के घर में विजय नाम का कुमार है और वो दोनों पति पत्नी नियम पाल रहे हैं, अगर आपने उनको भी बहरा दिया, उनको भी कुछ खिला दिया, भोजन करा दिया तो 84 लाख मुनियों का बहराने का फल आपको मिलने वाला है। आप वहाँ चले जाओ और वहाँ उनको बहराने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए चले जाओ। ये बात केवली भगवान ने जब बताई तो हमारे जिंदास को विश्वास हो गया कि महाराज साहब ने कहा है ऐसा करना चाहिए। वे कहाँ से निकले, अंग देश से निकले और कहाँ पहुँचे, कच्छ देश, कच्छ में पहुँचे, गुजरात के पास कच्छ। एक कच्छ कच्छी जाति अलग होती है, गुजरातियों की जाति होती है पर वो कच्छी कहलाते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है।
तो कच्छ देश में ये पहुँचे, वहाँ जाकर खाली मकान उन्होंने शोधा, वो उनको मिल गया। वहाँ जाकर उन्होंने अपने रसोई का पूरा सामान रख लिया, पूरे गांव में चर्चा फैल गई, यहाँ पर तो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, रुकने के लिए आए हैं, वे खुद की रसोई खुद बनाते हैं और महाराज साहब आए तो उनको भी बहराते हैं। इस तरह से एक धार्मिक परिवार हमारे यहाँ पे आया है। तब उन्होंने कहा, हम तो अरहत दास के पुत्र विजय कुमार को खाना खिलाने के लिए आए हैं। क्या कहा? अरहत दास के पुत्र विजय कुमार को और उनकी बहू है विजया कुमारी, उसको भी खाना खिलाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि वो दृढ़ नियम पालन कर रहे हैं, दृढ़ता से अपना नियम पालन कर रहे हैं। तब माता पिता को पता चला कि हमारा बेटा, हमारी बहू ऐसा नियम पाल रही है, और ये हमको तो पता ही नहीं। और तब कहा कि विमल केवली ने ये बात कही है कि दोनों बहुत व्यवस्थित रीति से नियम पालन कर रहे हैं, और उनको बहराने से 84 लाख मुनियों को आहार देने जितना फायदा होने वाला है। जब ये 84 हजार लाख तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, 84 हजार मुनि, 84 लाख नहीं, मैं 84 लाख कह रही हूँ, 84 हजार मुनियों को पारना कराने का लाभ वो लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इतनी बात जब चली तब देखते देखते वह देवी देवता प्रकट हो गए, देव दानव गंधर्वा, दानव गंधर्वा, जखर कस किन्नरा, बंभयारी नमं संति, दुःकरं जे करन्ति ते, दुःकरं जे करन्ति ते, जो दुष्कर काम है वो करने वाले के लिए देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर सारे उनके नमस्कार के लिए वहाँ पहुँचते हैं। उस समय भी वहाँ पर देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर सारे वहाँ पे आ गए थे उनके दर्शन के लिए। और माता पिता को पता चला कि अरे, हमारे घर में इतने बड़े तपस्वी बैठे थे, और हम जो है विचार कर रहे थे हमारे घर में हम पोते का मुंह क्यों नहीं देख रहे, पोते का दर्शन हमको क्यों नहीं हो रहा है, हम तो ये चिंता कर रहे थे, और हमारे घर में ऐसे तपस्वी बैठे हैं। ओहो, उनको भी बहुत बात खुल गई, बात चारों तरफ पसर गई, और देखते देखते सुगंध फैलने लग गई, प्रकाश होने लग गया, देवी देवता वहाँ पे उपस्थित हो गए। और तब विजय कुमार ने खड़े होकर के कहा कि मैंने संकल्प किया था, जब तक हमारे माता पिता को मालूम नहीं पड़ता तब तक हम घर में रहेंगे, और जिस दिन माता पिता को मालूम पड़ जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, दीक्षा ले लेंगे। अब हमको तो क्या करनी है, इस घर में नहीं रहना है, मैं साधु जी के पास दीक्षा लूँगा। और ये विजया कुमारी साध्वी जी के पास दीक्षा लेगी, हमारा संकल्प था। भगवानों, ये किस्सा हमारे जैन धर्म के परिवारों में सच्चा बना हुआ किस्सा है, और इसके लिए हमारी पुरानी बहनें गाती थी, धन धन विजय सेठ सेठानी, विजया पार्यो शील महान, पाल्यो शील महान, विजया पाल्यो शील महान, धन धन विजय सेठ सेठानी, विजया पाल्यो शील महान। इस तरह से हमारी पुरानी बहनें थानक में प्रतिक्रमण के बाद ये गीत गाती थी, और इस तरह का हमारी यहाँ पे किस्सा बना हुआ है। विजय सेठ सेठानी ने दीक्षा लेकर के अपनी गति को सुधार दिया, अपना संकल्प पूरा किया, और वे देवता बन गए। मनुष्य की आयु पूरी करने के बाद वे देवी और देवता बन गए, और आगे चलकर वो आत्माएं मुक्त बनने वाली आत्मा है। भगवानों, इस तरह से हमारी यहाँ ये चौथा व्रत पालने का हमारे भगवान महावीर का आदेश है। संकल्प करो कि हम भी अपने जीवन में इस व्रत का पालन करेंगे, इस व्रत को निभाएंगे, और अपने जीवन इसमें इसको उपमा दी गई है हमारे शास्त्रों में, इस पाप को नगर दाह की उपमा दी है।
जैसे नगर जलता है और उसका दाह निकलता है, उतना जीवों की हिंसा वहाँ पे होती है और उतने जीव मरते हैं, इतनी दाह होती है। इसके लिए उधर पुण्य बताया हमारे लिए कौन सा, पान पुण्य। पहला देखा हमने अन्न पुण्य और दूसरा है पान पुण्य, पानी का पुण्य। जल जो ना होता तो ये जग जाता, जल ये जग टिका हुआ है किस कारण से, पेट भर के खाना खाया, गिलास भर ठंडा पानी पीने के बाद ही जीव सोरा होता है, जीव को शांति आती है। आप कह दो कि दाल बाटी का भोजन तो करो, पर पानी आपको मिलने वाला है नहीं, तो क्या होगा? बिना पानी के नहीं चलता। पर हमारे यहाँ 100 साधु एक माधु होके गए हैं। हमारे यहाँ एक महाराज ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद उनको बीमारी लगी, उन्होंने संथारा ले लिया। संथारा लेने के बाद उनकी तबीयत सुधरने लग गई। उपवास से तबीयत सुधरती है, अंदर के रोग जलते हैं और तपश्चर्या से काया स्वस्थ होने लगती है। उनकी काया स्वस्थ होने लग गई और उन्होंने कहा अब मेरे से संथारा नहीं पाला जाएगा, मुझे संथारा अब छोड़ना है। इस तरह का समाचार दूसरे महाराज साहब के पास पहुंचा। उन्होंने कहा मैं आऊँ तब तक रुकना, मैं आऊँ तब तक रुकना। और महाराज साहब ने पहले दिन शाम को दाल बाटी का वहाँ पे गोठ थी और वहाँ दाल बाटी बनी हुई थी। महाराज साहब वहाँ पहुँच गए, लोगों ने उनको क्या बेटाई बहराई, दाल बाटी बहराई, दाल बाटी खाई, पर उनके यहाँ प्रासुक पानी का कोई ना धोवन पानी था और ना गर्म पानी था, कच्चा पानी वो पी नहीं सकते। इसके लिए खाली दाल बाटी खा ली और अगले दिन विहार करके जो वहाँ पहुँचे जहाँ पे महाराज साहब संथारा छोड़ना चाहते थे। तो वहाँ जा कर के देखी थी इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, ये सीधे वहाँ विहार करके गए और पाटे पे चढ़ गए, पाटे पे चढ़ गए। पेट में इतनी प्यास लगी हुई थी, फिर भी जाओ जीव का चोवियारा संथारा पचक लिया। 100 साधु और एक माधु, माधव मुनि जी नाम था उनका, और इस तरह से संथारा ले लिया। ऐसा सुंदर संथारा चला, इनको कहा तुम नीचे उतर जाओ, तुमको संथारा नहीं पालना है ना, तुम नीचे उतर जाओ, तुम्हारी जगह मैं कुर्बानी दूंगा। हमारे यहाँ ऐसे जबरदस्त ही हमारा धर्म है, जबरदस्ती का धर्म नहीं है। कोई दीक्षा छोड़ के जाता है तो उसका पीछा करने के लिए हम नहीं निकलते, गया है तो जाने दो, जाओ दो, अपना नहीं उरी चिंता नहीं, पर ना हम लोग उनको तकलीफ देते हैं और ना कुछ करते हैं। जबरदस्ती दीक्षा भी नहीं पलवाते, जबरदस्ती हम तपस्या भी नहीं करवाते। तपस्या के अंदर सहसा गारणम महत्ता गारणम सौ समाही वत्तिया गारणम सहस, अगर ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तो उसका आधार है। बड़े कह दे कि आप घर दौर होनी तपसा घनी दौर होने पारणों करा दो, महत्ता गारणम बड़ों का आगार है, और सौ समाही वत्या गारणम, और समाधि भंग हो रही है, तपश्चर्या करके समाधि भंग होती है तो उसकी अपेक्षा पारणा कर लो। इस तरह से हमारे यहाँ तीन प्रकार के आगार रख करके पचकान दिलाए जाते हैं। इस तरह से हमारे माधव मुनि जी ने दाल बाटी पहले दिन खाई हुई थी, पानी नहीं मिला हुआ था, फिर भी संथारा पचक लिया और अपनी जिंदगी पूरी करके अच्छी गति को उन्होंने प्राप्त किया। भगवानों पानी का भी अपना एक महत्व होता है, और ख़ास करके आजकल तो जैन पानी निकला है। जैन पानी का मतलब धोवन और गर्म पानी। जैन पानी घर घर में पहले होता था, लोग अपना मटका धोवन पानी से तैयार करके रखते थे। कोई भी मार साहब आ जाए, हमारे माताजी मार साहब तो पूरे घर का पानी धोवन कर देते थे, पूरा पानी छान लेना और उसको धोवन कर देना। पहले राख बहुत मिलती थी और धोवन पानी कर लेते थे। धोवन पानी करने से घर असुस्ता नहीं होता था। मार साहब पधारे, उनको पात्रा भर के पानी भी बहराओ और उनको गोचरी भी बहराओ तो आपको पूरा लाभ मिल सकता है। इस तरह की हमारी परंपरा रही है। हमारा जैन पानी अलग होता है और वो आजकल तो सारा मशीनों में से पानी आने लग गया है और अलग प्रकार की शुद्धि उसके अंदर होने लग गई है, वो बात अलग है। किंतु जैन पानी अपने आप में एक बड़ा पानी का लाभ बताया गया है, और वो खास करके
मैथुन और अदत्तादान, मैथुन और प्रणातिपात मुर्शावाद अदत्तादान और मैथुन, ये दो पाप के लिए एक पुण्य कौन सा बता है? पानी का पुण्य। आपके घर में कोई प्यासा आए और आपके घर पता चले कि मार साहब को पानी नहीं मिला, मार साहब मानता थे पानी को नहीं, धोवन भी नहीं गर्म भी नहीं, ऐसे पानी बिना मार साहब घर से जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पहले मार साहब भी बहुत ही कड़क होते थे और लोग भी इतना ध्यान रखते थे। भगवानों, हमारे यहाँ जैन पानी निकला है, 3 से 65 दिन जैन पानी पीते और पिलाते हैं। जलगांव के अंदर जैन पानी के ऐसे पत्रक निकले हैं, आपको जैन पानी चाहे जब वहाँ मिल सकता है। सुशील बहुमंडल ने ये तैयार किया हुआ है। भगवानों, जब पानी का पुण्य भी अपने आप में एक पुण्य है। एक तरफ उपमा कौन सी दी? नगर दाह, नगर जल रहा है, इतना पाप हुआ है उसके ऊपर, जलने के लिए अग्नि के लिए हथियार क्या है? पानी है। तो पानी का पुण्य करने से नगर दाह का पाप कम हो सकता है। इसके लिए दो पाप और एक पुण्य, इस तरह से हमारे बताया गया है। अदत्तादान और मैथुन हमने देखा है। आगे परिग्रह और क्रोध, ये दो पाप होंगे। अन्न पुण्य, पान पुण्य, फिर नयन पुण्य, वो क्या होता है, कैसे होता है, ये तो समय आने के बाद आपको बताएंगे। हमारे विजय सेठ सेठानी ने अपना व्रत बरोबर पाला, अपनी गति सुधारी, अपना नाम 84,000 पीढ़ियाँ उनका नाम लेती रहेगी, इस तरह का उन्होंने काम किया था। सत्य बना हुआ है प्रसंग जिन शासनों का है और ये आज तक चलता आ रहा है, आज तक उसकी चमक कम नहीं हुई है। ऐसे हमारे विजय सेठ सेठानी ने अपना एक आदर्श उपस्थित किया था और सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। भगवानों, ऐसी शक्ति हमने प्राप्त हो, सब में प्राप्त हो, इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।